बड़ी और खास खबर के साथ भोपाल से आ रही शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी है। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान की बैठक जारी थी, हमने इससे पहले भी आपको खबर दिखाई, कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली इस बैठक में और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण योजना का प्रस्ताव आएगा, 10 कॉलेज खोले जाने पर चर्चा की गई थी। अब किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है ये भी जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता जुड़ गए। चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ब्रीफिंग कर रहे हैं, वही सुनाते हैं। कल्याण बोर्ड का स्थापना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें पाल, गड़रिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें पाल, गड़रिया, धनगर कल्याण मध्य प्रदेश बोर्ड के गठन के निर्णय के साथ ही बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होंगे। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारे उनके लिए किया गया है। आज कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग का, यह लोक परिसंपत्ति विभाग का है। इसमें जो राजगढ़ की भूमि है 45, 54 और 55 रकबा 17,400 वर्ग मीटर की, इसे 2,11,00,000 रुपए में देने का 100% राशि जमा करने के बाद कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से सोयाबीन सहकारिता विभाग का चौरी छिंदवाड़ा का है, इसको 8,30,00,000 100% राशि जमा करने के बाद देने का तय किया है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी और इसी के साथ साथ पार्टी की संगठन की मजबूती को लेकर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी खास रणनीति भी तैयार की गई इस बैठक में।